सैनिक वंश की आराध्य देवी भक्त माता कर्मा की 1006वीं जयंती स्वजाति सामाजिक बंधु एवं परिवार जनों द्वारा कुम्हारी के बाजार चौक में उत्साह पूर्वक मनाई गई। तैलिक वंश की आराध्या देवी भक्त माता कर्मा की 1006वीं जयंती उनकी त्याग तपस्या सेवा सद्भाव समाज एवं महिला उत्थान के संदेशों को आत्मसात करने के उद्देश्य एवं संदेशों का प्रचार प्रसार करने सब स्वजाति सामाजिक बंधु व पारिवारिक जनों द्वारा उत्साह पूर्वक मनाई गई। माँ कर्मा भवन बाजार चौक कुम्हारी में ये जयंती मनाई गई। वहीं बाजार चौक से युवा प्रकोष्ठ साहू समाज द्वारा जागरण बाइक रैली निकालकर परसदा कुगदा जंजगिरी रामपुर का भ्रमण कर पुनः कुम्हारी आगमन किया गया। तत्पश्चात माँ कर्मा की विधिवत पूजा अर्चना कर आरती की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर, विशेष अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, तहसील साहू संघ के अध्यक्ष श्याम लाल साहू, परिक्षेत्र साहू संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार साहू, लोक निर्माण विभाग प्रभारी मनहरण यादव सहित पार्षदगण शामिल रहे। शामिल सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान समाज के द्वारा परंपरा के अनुसार किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देहदान सम्मान, सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान, प्रतिभा सम्मान के साथ बालिका समूह द्वारा विविध सांस्कृतिक मंची कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। इस आयोजन को लेकर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज माता कर्मा के जयंती में समाज के मन बुलाइस और में समाज के आशीर्वाद लेक मौका मिलीस। आज 1006वां जयंती है रहे उमें संबोधन उपस्थित भव्य कलश यात्रा निकालेगी। कलश यात्रा में ऐसे लगत रही से कोई त्यौहार असन लगत रही से बाहर पूछत रही का होगा बस्ती तरफ किस में बोले आज कर्मा जयंती भाई तो बड़ा धूमधाम से मनाईस। बाइक रैली रही से कार भी निकल रही सामने में ये स्थिति में पूरा आज पूरा समाज एक यूनिटी के प्रतीक दिखी समझला कि जो यूनिटी रही साहू समाज में बताया हूँ आप उगर बारे में कि आज बुरा धूमधाम से हमार कर्मा जयंती मनाई और पूजा अर्चना हुई और उगर बाद फिर हमला बुलाए रही से मन तब जन के आशीर्वाद लें। साहू समाज तरफ से मांग रही से पेवर ब्लॉक करी से पेवर ब्लॉक हो कर डोम करी से डोमला नपवा लेते बोले ये सब चीज़ रही से बोला कम्प्लीट करबो बोले। बहरहाल इस अवसर पर सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में शामिल रहे और इस आयोजन को सफल बनाते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।